नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंपार्शन चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त सनी पटेल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और सिंगल स्टिक कैंडल पैटर्न के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर जैसी सिंगल स्टिक कैंडल पैटर्न के बारे में बात कर ली थी। अगर अभी तक आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो मेरी यहाँ रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो भी जरूर देख लें। पहले आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्पिनिंग टॉप कैंडल, डोजी कैंडल और ड्रैगन फ्लाई कैंडल्स के बारे में। इस वीडियो में आप देखेंगे इन कैंडल्स की क्या पहचान होती है, कहाँ इनका यूज करना है, बाय कब करना है, पुट कब खरीदना है, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगेगा और एक सही टाइम फ्रेम क्या होगा ट्रेड करने के लिए। तो ये सारी बातें इसी वीडियो में हम कवर करेंगे, हर एक बची हुई हमारी सिंगल स्टिक कैंडल पैटर्न के बारे में। तो ये सारे पॉइंट्स मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। पर उससे पहले जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको नहीं पता कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, तो मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देके समझाना चाहूंगा। जिन लोगों को पता है वो अच्छी बात है, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको पहले बता देता हूं कि कैंडल पैटर्न होता क्या है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें सीखनी होती है, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक महत्वपूर्ण होता है। अब पैटर्न का मतलब क्या होता है, उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जब आपका गला सूखता है तब आपको प्यास लगती है, यानी कि तब आपको पानी पीना है। तो यानी कि जब गला सूखा तो ये पैटर्न हुआ कि जब भी गला सूखेगा तो आपको पानी पीना है। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट है, यानी कि बॉडी गर्म हो गई है, यानी कि इसका मतलब आपको बुखार हुआ है। तो ये बुखार का पैटर्न है कि जब भी किसी इंसान को बुखार होता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, आप एक डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेते हैं और अपना उपचार कराते हैं। यानी कि एक पैटर्न है कि जब भी फीवर होता है तो बॉडी हीट होती है। इसी तरह ट्रेड लाइन में भी कुछ पैटर्न्स होते हैं जिन्हें देखकर हम अपनी ट्रेड्स लेते हैं। मगर मैं यहाँ ये बता देता हूँ आपको कि खाली कैंडलस्टिक पैटर्न के बिहाफ पर ही आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको इसके अलावा और भी बहुत कुछ सीखना है अभी। तो जैसा कि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको आगे बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ जो आपके ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाने वाली है। तो हमारे साथ जरूर जुड़िए और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको ये वीडियो देखने को ना मिले। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर से लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट पर देखना चाहते हैं और उसका एक अच्छा सा किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए आप चार्ट पर एक फुल डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो मैं वो भी बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पिनिंग टॉप कैंडल। स्पिनिंग टॉप कैंडल की पहचान कैसे करें, यह कैंडल की बॉडी छोटी होती है और दोनों तरफ की लंबी लंबी विक्स होती हैं। यह पैटर्न दर्शाता है कि मार्केट असमंजस में है, यानी कि इस कैंडलस्टिक का मतलब यह होता है कि यहाँ डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बायर्स और सेलर दोनों ही लड़ रहे होते हैं, दोनों में बहुत अच्छी फाइट हो रही होती है। कुल मिलाकर अगर इसका यूज देखते हैं तो जब भी आपको इस तरह का पैटर्न दिखता है इसका मतलब ये होता है बायर्स और सेलर्स में बराबरी की लड़ाई हो रही है और मार्केट में एक असमंजस की स्थिति बन गई है। तो जब भी आपको ये स्पिनिंग टॉप कैंडल दिखती है तो आपको अगर ये सपोर्ट पर दिख रही है तो यानी कि इसका मतलब यहां से मार्केट अप जाने के चांस होते हैं और आपको सिग्नल मिलता है यहाँ बाय का। और अगर ये टॉप पर बन रही है तो वहां से आपको सिग्नल मिलता है कि यहां से आपको पुट खरीदनी है, यानी कि यहां से मार्केट गिर सकता है। अगर ये सपोर्ट पर बनती है तो वहां से चांस होता है कि मार्केट वहां से अप जा सकती है, तो यहां पर आप बाय कर सकते हो। तो यहां पर स्टॉप लॉस कहां लगाना है, वीक के थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखकर यहां बाय की पोजीशन बना सकते हैं। तो टाइम फ्रेम आप यहां क्या रखेंगे स्पिनिंग टॉप कैंडल देखने के लिए, सही टाइम फ्रेम एक वन डे के चार्ट पर आप इसे देख सकते हैं या फिर चार घंटे के चार्ट पर आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं, डोजी कैंडल। डोजी कैंडल में क्या होता है, ओपन और क्लोज प्राइस लगभग सेम ही होता है, यानी कि जहां से प्राइस शुरू होता है वो ऊपर भी जाता है, उसके बाद नीचे भी आता है, मगर वहीं पर आकर खत्म हो जाता है जहां से प्राइस शुरू हुआ था। तो बहुत पतली सी बीच में आपको इसमें लकीर दिख सकती है। इसकी जो बॉडी होती है बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती, थिकनेस होती है इसकी बॉडी की, मगर इसकी विड्थ बहुत ज्यादा लंबी होती है। ये कैंडल दर्शाता क्या है ये बताता हूं मैं कि इस कैंडल के पीछे लॉजिक क्या है। ये कैंडल ट्रेड को रिवर्स करने का सिग्नल देता है कि यानी कि अगर मान लीजिए यहां से मार्केट अप जा रही थी और उसके बाद आपको एक डोजी कैंडल देखने को मिल जाती है टॉप पर, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। यानी कि अगर ये नीचे बनती है, सपोर्ट पर बनती है, तो यहां से मार्केट अप जा सकता है। अगर ये टॉप पर आपको दिखती है तो वहां से मार्केट नीचे आ सकता है। अब बात करते हैं कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है। तो इसमें भी स्टॉप लॉस इसकी जो, अगर आपने
डिस्टेंस पर इसको टॉप पर देखा है, वहां से मार्केट अगर नीचे गिरने वाला है तो आप इसकी विथ अपर साइज की विक से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। सपोर्ट पर आपने अपनी पोजीशन बनाई है कि सपोर्ट से वहां से मार्केट अप जा रहा है तो आप इसकी लोअर विक पे थोड़ा सा नीचे करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सही टाइम फ्रेम इसके लिए रहेगा वन डे चार्ट पर आप इसे देख सकते हैं या फिर 4 आवर्स के चार्ट पर इसको देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं। नेक्स्ट कैंडल आती है ड्रैगन फ्लाई कैंडल। यह पैटर्न को बनने से आपको क्या पता लगता है, यह पैटर्न बुलिश रिवर्स का संकेत देता है, खासकर अगर यह सपोर्ट पर बना हो तो, यानी कि यहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है, यानी कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। स्टॉप लॉस लगाने का नियम यहां सेम है कि अगर आपने इसको टॉप पर देखा तो उसकी वीक की एंडिंग पॉइंट जो हायर वीक होगी इसकी उससे थोड़ा सा ऊपर लगाना है। अगर आपने इसे सपोर्ट पर देखा है तो इसकी लोअर वीक के नीचे थोड़ा सा लगाना है स्टॉप लॉस रखकर। सही टाइम फ्रेम, इन सभी कैंडल्स का सही टाइम फ्रेम होता है, वैसे तो आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, पर एक बेहतर प्रॉफिट पाने के लिए आप इसको 1 घंटे के चार्ट या 4 घंटे के चार्ट पे कम से कम इसको जरूर देखें। तो दोस्तों आज हमने बात कर ली सभी सिंगल स्टिक कैंडल्स पैटर्न जो मेन होती है वो सारी हमने कवर कर ली। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि जितनी भी कैंडलस्टिक्स मैंने आपको बताई हैं या तो वो आपको टॉप पर देखनी है चार्ट की या फिर आपको उसके सपोर्ट पर देखनी है, वहां से चांसेस होते हैं मार्केट के ट्रेंड चेंज होने की। तो आज के वीडियो में तो हमारा सिंगल स्टिक कैंडल पैटर्न यहाँ खत्म हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम अब स्टार्ट करने वाले हैं डबल स्टिक कैंडल्स पैटर्न के बारे में। 2 चैप्टर्स में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज सिंगल स्टिक कैंडल पैटर्न का यहाँ पर एंड हो गया है। मैंने जो मेन सिंगल स्टिक कैंडल पैटर्न थे उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डबल स्टिक कैंडल पैटर्न्स के बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि हमारा प्रॉफिटेबल वाला ट्रेड सक्सेसफुल बने। तो उसके लिए पहले हम एक एक करके सिंगल स्टिक कैंडल पैटर्न को निपटाया, फिर डबल स्टिक, फिर उसके बाद आएगी हमारी ट्रिपल स्टिक कैंडल पैटर्न, उसके बाद हम चार्ट को कैसे देखते हैं वो स्टडी करेंगे, ओआई कैसे होता है, इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, किस तरह से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, वो भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।